दुनिया का सबसे ज्यादा हेल्दी और सबसे ज्यादा प्रोटीन वाला नाश्ता आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो दो बूंद तेल में बनके तैयार होती है और खाने में इतना गजब का स्वादिष्ट कि बस खाते जाओ फिर भी मन ना भरे। और साथ ही बनाएंगे गजब की नए तरीके की चटनी जो हर तरह की चटनी का स्वाद भुला देगी, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस बहुत ही मजेदार सी रेसिपी की। तो चलिए सबसे पहले हम चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में ना थोड़ा सा तेल डाल करके कुछ उड़द की दाल और चने की दाल डाली है, एक एक टीस्पून के आसपास, और उनको अच्छी तरीके से भून लिया है। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, जैसे ही वो सुनहरे हो जाएंगे ना इसमें डालेंगे ढेर सारी करी पत्ते, क्योंकि करी पत्ते से बहुत गजब का टेस्ट आएगा। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए गैस का फ्लेम बंद किया हुआ है ताकि जो दाल है वो पूरी तरीके से जल ना जाए। सारे पत्तों को डाल करके थोड़ी देर के लिए भून लेना है धीमी आंच पर। आप देख सकते हैं पत्ते भी अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। तो अब डालेंगे आधा टुकड़ा प्याज का, छोटे वाले प्याज हैं तो वो डाल सकते हैं, और एक कप भर के कच्चे नारियल। यहाँ पर मैं नारियल की चटनी बना रही हूँ, बहुत ही गजब की चटनी, इसका स्वाद आता है। आपको रेस्टोरेंट वाला टेस्ट भी भूल जाएंगे अगर आप इस तरीके से चटनी बनाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हम धनिया के पत्ते डाल करके जो चटनी बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा बोर सा मन हो गया है। तो इसको एकदम गजब का टेस्ट देने के लिए ये तरीका ट्राई कीजिएगा। नारियल को भी हम इसके साथ ही डालकर कुछ सेकंड्स के लिए भुनेंगे। आप देखिए सारी चीज़ें हल्की हल्की सी सिक गई हैं, तो अब इन्हें भी हम अलग प्लेट में निकाल देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। छोटे वाले जार में हम ये सारा का सारा मिक्सचर ऐड करेंगे। अब डालेंगे दो से तीन हरी मिर्चें, तो अपने हिसाब से आप तीखा एडजस्ट कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। दो से तीन लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे, और एक टेबलस्पून डाल देंगे इसमें इमली या फिर नींबू का रस, ताकि चटपटा सा टेस्ट आए। और ये जो चटनी बनती है ना बहुत गजब के स्वाद में बनती है, आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। दो चम्मच पानी डालें और थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। चलिए इसको थोड़ा सा दरदरा होने तक पीसेंगे, बाद में हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे और फिर हमारी चटनी तैयार होगी। तो इसको मैंने कोर्सली पीस लिया है, आप देखें, तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको पीसा था ताकि सारी चीज़ें कम हो जाएं थोड़ी सी मात्रा में और हल्की सी दरदरी हो जाए। तब हम इसमें धनिया के पत्ते डालेंगे लगभग एक कप। अगर आप धनिया के पत्ते पहले डाल देंगे ना तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाएंगी और धनिया के पत्ते एकदम बहुत ही जल्दी प्यूरी हो जाएंगे, इसलिए बाद में डालना है। दो चम्मच पानी फिर से डालना है, और चलिए अब इनको पीस लेंगे। ये देखें चटनी हमारी अच्छी तरीके से पिस गई है और बहुत अच्छी खुशबू के साथ तैयार हुई है। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। चलिए अब इस मज़ेदार से चटनी को निकालेंगे अलग बर्तन में, और उसके बाद इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए फ्रिज में। आप इस चटनी को 4 से 5 दिन स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल टेस्ट और कलर ख़राब नहीं होगा। और एक बार बना के देखिएगा। तड़के की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये रेसिपी अपने मेहमानों के लिए बनानी है, तो मैंने थोड़े से राई और करी पत्ते से घी के साथ तड़का डाल दिया है। वैसे आप बिना तड़के भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब बारी आती है हमारी मेन रेसिपी की, जो आपके वेट को इतना जल्दी कंट्रोल करेगा कि आप अगर इसे डाइट में खा लिए तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना जल्दी वजन कैसे कम हो रहा है। इसके लिए मैंने मूंग को भिगो लिया था, साबुत मूंग है ये, और लगभग ओवरनाइट के लिए रख दिया था। सारा पानी निकाल करके थोड़ी देर छोड़ा था, लगभग 4 से 5 घंटे के लिए, और उसमें ये अच्छे तरीके से अंकुरित हो गए हैं। अंकुरित करने के बाद हमें ये मूंग को यूज़ करना है। इसके लिए मैंने बड़ा वाला मिक्सी का जार लिया है, क्योंकि हमें जो रेसिपी बनानी है थोड़ी सी ज़्यादा बनानी है। तो मैंने 1.5 कप ये मूंग को भिगोया था। ये सारा का सारा मूंग हम इसमें डालेंगे। पानी की क्वांटिटी आपको बहुत कम रखनी है, ज़रूरत हो तो ही पानी डालना है। मूंग के साथ हमें डालना है ओट्स, तो ये आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा, कोई से भी आप ओट्स ले सकते हैं। ओट्स नहीं है तो आप दलिया ले सकते हैं, गेहूं की, जौ की, क्योंकि ये वेट लॉस में बहुत कारगर होती है, आपको बहुत सारा एनर्जी देती है। तो आप अपने डाइट में अगर सुबह सुबह इसे खाते हैं तो आपको बहुत सारा एनर्जी भी मिलेगा और आपका पेट काफ़ी देर तक भरा भरा रहेगा। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि टेस्टी खाने से वजन कभी कम नहीं होगा, लेकिन ये रेसिपी टेस्ट में भी बेस्ट है और आपका वजन भी कंट्रोल करेगी। हमारा जो नाश्ता है वो थोड़ा सा कुरकुरा बने, इसके लिए मैं सूजी डाल रही हूँ। वैसे सूजी की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी क्रिस्प चाहिए तो सूजी ज़रूर डालिएगा, लेकिन अगर सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए तो सूजी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 कप सूजी डाला है मैंने, और थोड़ा सा कलर बढ़िया आए इसके लिए थोड़ा सा धनिया के पत्ता लगभग 1/4 कप के आसपास डाल दिया है। वैसे अगर धनिया के पत्ते नहीं डालना चाहते हैं तो लौकी डाल सकते हैं, कोई भी हेल्दी चीज़ जो भी आपको इसमें चाहिए आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सूजी के साथ ही इसे बनाएं बढ़िया से। चलिए मैंने 1 कप पानी डाला है, ढक्कन लगाइए और अब हम इसको पीसेंगे। मूंग एकदम बिल्कुल बढ़िया से पिस गई है। चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। पेस्ट हमारा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। ये देखें ओट्स के साथ बढ़िया से पिस गई, और ओट्स को भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सारा का सारा पेस्ट निकाल देंगे अलग बर्तन में। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी लगभग 1/4 कप के आसपास। तो जो मिक्सर है ना हमारा बैटर, ये ज़्यादा पतला नहीं रखना है, और आप इस बैटर से लगभग 4 से 5 तरह के डिशेस बना सकते हैं और अपने नाश्ते को और भी ज़्यादा इन्हेंस और एक अलग रूप दे सकते हैं।
चलिए बैटर को हम थोड़ा सा मिलाएंगे ताकि ये हल्का सा एरिएशन आ जाए इसके अंदर, और आप देख सकते हैं बैटर एकदम इस तरीके से गाढ़ा होना चाहिए। अब कोई सोडा वगैरह इनो वगैरह नहीं डालना है इस बैटर से, आप बहुत ही आसानी से रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो बस फटाफट से इसको मिलाएं और नमक डालें स्वाद के अनुसार, मिक्स करें। और चलिए इसको रेस्ट करने के लिए नहीं रखना है, आप चाहें तो रख सकते हैं लेकिन हम इसे रेस्ट करने के लिए नहीं रखें क्योंकि ये रेसिपी 5 मिनट में बनके तैयार होती है और जब मर्जी आए आप इसे बना सकते हैं फटाफट से। तो चलिए गैस पर मैंने रख दिया है एक भारी तली का तवा, और ये मेरे पास जो तवा है ये डोसे का तवा है। आप इसको ऑनलाइन कब कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, डोसे का तवा है उसको हल्का सा गर्म करके कुछ बूंदे तेल की डाली है, और ये सारा का सारा तेल हम टिश्यू पेपर से निकाल देंगे। हमें यहाँ पर तेल सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि हम तवे को चिकना कर सके। तेल निकालने के बाद हम डालेंगे इसमें हमारा तैयार किया हुआ बैटर, लगभग 1 से 2 कलछी के आसपास। तो ध्यान रहे जब आप बैटर डालें तवा हमारा बहुत ही हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म होगा तो बैटर चिपक सकता है, इसलिए हल्के गर्म में बैटर डालें और फटाफट से इसको गोल गोल घुमा लें। आप पहली ही बार में एकदम परफेक्ट सा डोसा बना के तैयार कर सकते हैं, और इस बैटर से आप चीला बना सकते हैं, उत्तपम बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डोसा ही बनाएं, इडली भी बना सकते हैं, मतलब कई तरह के नाश्ते आप इस बैटर से बना सकते हैं और अपने वेट को एकदम कंट्रोल में रख सकते हैं। चलिए अब डोसा जैसे एक साइड सिक जाएगा थोड़ा सा तेल या घी डालें और तैयार किया हुआ ये टेस्टी सा गन पाउडर इसके ऊपर ज़रूर से स्प्रिंकल कीजिए। ये गन पाउडर आप डोसा में ही नहीं बल्कि किसी भी नाश्ते में इडली में डाल दिए ना तो टेस्ट आपको एक नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, और इसको बनाना बहुत आसान है। ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए डोसे को अच्छी तरीके से सेक लीजिए गोल्डन होने तक। ये देखिए कितना अच्छे से गोल्डन हुआ है, और बहुत सारे तेल घी की भी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही कम तेल घी में एकदम स्वादिष्ट और एकदम बढ़िया सी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं और मेहमानों से लेकर घर के परिवार तक सबको खुश कर सकते हैं। लीजिए हमारा डोसा भी तैयार है शानदार सी चटनी के साथ। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर लिख के बताइएगा। ये जो डोसा है बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही हेल्दी और बहुत 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 मज़ेदार बनता है। मेरे घर में ये रेसिपी 4 से 5 बार बनती है हर हफ्ते, और जिन लोगों ने भी मुझे पहले देखा होगा वो समझ गए होंगे कि अभी मैंने इतना सारा वेट लॉस कैसे किया है। तो इसी सब रेसिपीज़ की वजह से आप देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्प बने हैं, एकदम हाथ में रखते एकदम कुरकुरा सा हो गया है। और ये देखिए मसाले डालने के बाद इसका टेस्ट बहुत गजब का होता है। मेरे कहने पर आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये मसाला बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने अपना 10 किलो वजन कैसे कम किया है और अपने वेट को कैसे कंट्रोल रखती हूँ, तो आप मेरे चैनल का मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको बहुत सारी नई नई यूनिक रेसिपीज देखने मिलेंगी। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ढेर सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर दीजिए, और हर दिन नई वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।